अगर शालू प्रेग्नेंट बिया तो बच्चा हमार नहीं बा, केहू और के बा, और हम ई बात के सच्चाई साबित करवा सकेली। आजकल डीएनए टेस्ट से सब पता चल जाला कि पेट में जोन बच्चा बा ओकर बाप के बा। पूजा भी शायद इस टेस्ट के बारे में जानत होगी। टेस्ट होते ही साबित हो जाए कि शालू के पेट में जोन बच्चा बाऊ हमार नहीं बा। बच्चलन बिया, झूठी बिया, मक्कार बिया, ये हमरा के बार बार ना कहे के पड़ी तो दोनों के आंख में जोन पर्दा पड़ल बा वो हट जाए। अपन झूठ छुपावे खातिर शालू के बच्चलन मत बतावा। शालू के झूठ पर से नहीं, तोहरे झूठ पर से पर्दा हट चुकल बा। तोहरा के अपन बेटा कहे में भी शर्म आवत बा हमरा के। कैसा गंदा इंसान निकलला तू, हट जा हमरे सामने से। हम तोहर चेहरा भी नहीं देखल चाहत। ठीक बा भाई, अभी तो हम जात हैं, लेकिन एक दिन हम साबित कर दे कि शालू के पेट में जोन बच्चा बा वो हमार नहीं बा। तोरा के अपन बेटा पे शर्म महसूस नहीं होके दे। माँ जी, इतना सब कुछ दिखला के बाद भी आप हमरा के रुके के कहब, अब कौन मुझसे रुकब बेटी? सम्राट हमार भरोसा तोड़ देलस, का कही हूं? तू हमेशा से ही सही रह लो, हम ही बार बार तोरा के सम्राट के ऊपर भरोसा कह के कहत रहली। हमरा के माफ कर दो। नहीं माँ जी, आप हमरा से माफी मांग के हमरा के शर्मिंदा मत करी। आप अपने जगह सही रहनी, आप तो हमारे गृहस्थी जुड़े की कोशिश करत रहनी। आपकी कौन गलती? हम आज ही अपना गांव वापस चल जाए। बेटी, जब लड़की अपने ससुराल से ए तरह नहर रहे खातिर जाली तो ओकरे साथ साथ ओकरे माई बाप के भी बहुत दुश्वारी सहे के पड़ेला। समाज के ताना सुन सुन के छुप छुप के आंसू बहावे के पड़ेला। दूसर के भरोसा पे रह के शादीशुदा अकेले लड़की के जियल बहुत मुश्किल बाए समाज में। तू हमार बात माना, तू हमरे साथ चला हमरे घर पे। माँ जी, हम पढ़ा लिखल बानी, अगर कोई दिक्कत लागल तो काम करके खुद कमा ले, लेकिन पटना में नहीं रहो। अगर कोई दिक्कत लागल तो काम करके खुद कमा ले, लेकिन पटना में नहीं रहो। बेटी, आज ही माई के तुहार जरूरत बा। तरह के कहीं जाए के जरूरत नहीं खे, कौनो काम करे के जरूरत नहीं खे। तू हमरा घर पे हमार बहू नहीं बेटी बन के आयल रहलो, वो घर पे तुहार भी हक बा। तू यहां मत रहा, हम कहा भी नहीं, लेकिन तू अपने नैहर मत जा। तू हमरे साथ चला, हम माई बेटी
एक दूसर के दुख बांट के एक घर में खुशी खुशी रह ले। बाजी जब सामान लेके आ गए सम्राट कहां बा? पूजा तू अंदर जाके हाथ मुंह धो, हम खाना बनावत बानी। सुना, अब दौरे से पूछता नहीं, पूजा ऐजा कैसे? आपके बेटा के करतूत की वजह से वो पूजा की जिंदगी बर्बाद कर देला। पूजा सही रहे, सम्राट सही में शालू से बिया के ले ले पा। इतना ही नहीं, वो दोनों के बीच रिश्ता इतना बढ़ चुकल बा कि शालू सम्राट के बच्चा के माई बनने वाला बिया। और एकर कारण बानी आप ही के तरह उहो धोखेबाज। सबके धोखा देला सु, अपने पत्नी के, अपने माई के, सबके। खून के असर औलाद पर पड़ेला एकरा के साबित कह देला सु। बाप धोखेबाज, बेटा भी धोखेबाज। गुस्सा में आके तू हमरा ऊपर बेवजह भड़कत बाड़। हमार और सम्राट दोनों के बात मिलावे के का जरूरत बा? हम तोरा से पहले निकाले, हम केहू के धोखा ना देले बानी। जो कुछ भी हम कहले बानी मजबूरी में कहले बानी, फिर तू ये गाड़ल मुर्दा काहे के उखाड़त बाड़ू? काहे कि आप जिम्मेदार बानी एकर, आपके करतूत जिम्मेदार बा एकर। अगर आप हमरा बेटा के हमरा से दूर नहीं करती तो जौन गंदा संस्कार उकरा के मिलल बा वो नहीं, वो कौनो मासूम लड़की के जिंदगी नहीं बर्बाद कर, अपने पत्नी के धोखा नहीं दे। अगर हम उकरा के पल्ले रहती तो अपने बहू के सामने शर्मिंदा नहीं होके के पड़। अब कैसे नजर मिलाई हम उकरा से? बार बार उकरा के सम्राट पे भरोसा कहे के खातिर अब कहाँ कही उकरा की? वो अपने नहीं हर जात रहे, बड़ा मुश्किल से समझा बुझा के उकरा के एचा लेके आयल बानी। बहुत बड़ गलती के लिए बा सम्राट, हमार बेटा ऐसा निकले लेकर तो सपनों में भी उम्मीद ना रहल हम रखे। पहले आप अपने आप के देख ले, जोन बीज बोले रहली ओही के फसल पाई। एमे सबसे ज्यादा गलती आपके बा, आपके आपके करतूत के सजा हम भुगततानी। आपके वजह से अपने ही बेटा के कोसे खातिर मजबूर बानी हम, आपके वजह से। हमको तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुम्हारे भैया से कहते तो वो नाराज हो जाते, इसलिए बिना बताए तुमसे मिले घर पर गए थे, लेकिन तुम नहीं मिली इसलिए तुमको खोजते हुए यहाँ आ गए। अच्छा ये तो बताओ तुम यहाँ सम्राट के घर पे क्या कर रही हो? ये आप कैसी बात कर रही हैं भाभी, ये हमारे पति का घर है, हम यहाँ पत्नी की हैसियत से रह रहे हैं। और आप ही बताइए, आप लोगों के भरोसे यानी भैया और आपके
अपने मायके वालों के भरोसे हम कब तक वहां रहते? वैसे भी शादी के बाद लड़की को ससुराल में ही रहना चाहिए। बस ये सोचकर हम यहाँ चले आए। लेकिन क्या सम्राट को तुम्हारा यहाँ रहना पसंद है? पूजा ने कुछ नहीं कहा, नाराज नहीं हुई तुम पे? भाभी, किसी के नाराज होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्राट हमारे पति हैं, उन पर हमारा उतना ही हक है जितना कि पूजा का। किसी को पसंद आए या ना आए, हम अपने पति के पास ही रहेंगे हमेशा। शालू, हम जानते हैं कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे, लेकिन हमारा मन यही कहता है कि तुम जॉन कुछ भी कर रही हो, ठीक नहीं कर रही हो। अपने साथ साथ तुम पूजा की जिंदगी भी बर्बाद करने पे तुली हो। बदला लेने के जुनून में तुम कितना आगे निकल चुकी हो। ठीक कहा आपने भाभी, और अब हम पीछे लौटना भी नहीं चाहते। हमारी जिंदगी का अब एक ही उद्देश्य है, सम्राट को अपना बनाना, बस। शादी तो हम उनसे कर ही चुके हैं, जल्द ही हम उनकी बेरुखी भी जीत लेंगे। वो सिर्फ हमें चाहेंगे, हमें। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मरते मर जाओगी, पर मेरा प्यार, मेरी चाहत हरगिज हासिल नहीं कर पाओगी। इस पर सिर्फ और सिर्फ पूजा का हक है। भाभी, आप आ गई, अच्छा किया। आप इसे ले जाइए यहां से, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। दो पल चैन की सांस नहीं ले सकता मैं। इसकी वजह से मैं अपनी मां से नजर नहीं मिला सकता। मेरी पत्नी पूजा, जिसे मैं जान से ज्यादा प्यार करता हूं, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। आपको पता है ना कि इसने मेरे साथ कैसे जबरदस्ती शादी का ड्रामा रचा था, और अब आप जानती हैं ये क्या कर रही है? ये प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। हर किसी को इसने बेवकूफ बना दिया है कि ये प्रेग्नेंट है। आप तो अपने ननद को भी जानती हैं, और मुझे भी। आप ही बताइए, जिस लड़की को मैंने आज तक अपने नजदीक भी फटकने नहीं दिया, वो भला प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? झूठ मत बोलिए प्राणनाथ, हम प्रेग्नेंट हैं, ये भी सही है। ये बच्चा आपका है, ये भी सही है। भाभी, हमने अपना चेकअप अपने डॉक्टर से नहीं कराया है, बल्कि सम्राट के फैमिली डॉक्टर ने हमारा चेकअप किया। उसी ने बताया कि हम प्रेग्नेंट हैं। हो सकता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन ये बच्चा मेरा हरगिज नहीं है। तुम किसी और का पाप मेरे गले मरने की कोशिश कर रही हो। भाभी, आप पूछिए इससे कि सच क्या है। आप तो जानती हैं कि मेरे और इसके बीच कितनी अनबन है। जब मुझे इसका चेहरा देखना तक गवारा नहीं है, तो ये भला मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? शालू, हमने तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सही हो या सम्राट। पर पिछली सभी बातों को ध्यान में रखते हैं तो हमें लगता है कि सम्राट ही सही होना चाहिए। तुम सही सही बताओ, ये बच्चा किसका है? भाभी, हम सच कह रहे हैं, ये बच्चा सम्राट का ही है। आप जिसकी चाहे उसकी कसम उठवा लीजिए, हम तैयार हैं। तुम्हारी जैसे झूठी कपटी लड़की एक नहीं हजारों कसमें खाने के लिए तैयार हो सकती है। भाभी, आप इसे ले जाइए। ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि मैंने इसे अगर जबरदस्ती यहाँ से निकाला तो ये पुलिस में रिपोर्ट कर देगी कि मैंने धोखा से इसके साथ शादी की है। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी के जुर्म में ये मुझे जेल भिजवाना चाहती है, जबकि धोखा देकर जबरदस्ती इसने मुझसे शादी की है, और ये आप ही जानती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ले जाइए इसे, मेरा माथा ठीक नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मेरे हाथों इसका खून ना हो जाए, या फिर मैं कहीं अपने आप को खत्म ना कर लूं।
जाइए इसे यहाँ से, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा।